नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। और ये आज का ही ब्लॉग है, वो वाला ब्लॉग मैंने एंडिंग कर दिया था और आज इसलिए बना रही हूँ कि मैं तो वही बार बार तो निकलती नहीं ना घर से, कभी कभी निकलती हूँ। इसके पापा अभी आए, जब नीचे ही है, अभी घर नहीं आए हैं, तो उन्होंने कहा कि चल, बहुत दिनों से मैं कितने जलगांव जाने से पहले ही रिलायंस जाने की सोच रही थी, लेकिन अभी जा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे ना ऑफर्स चलते हैं, मसाले, नमकीन, मिठाइयाँ, तो वो सब खरीदूँगी, घर का सारा सामान खरीदूँगी। इसलिए हम लोग जा रहे हैं रिलायंस, और हमारे साथ जा रहा है हमारा मिट्ठू। मैं दिखाती हूँ आप, इससे सब कुछ बचा के रखने, ये गया इसका हाथ मिठाई पे, मिठाई नहीं खाएगा। ये देखिए, और ये देखिए जो चल रहा है। चल बेटे, चल 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 चल, पापा भी आ रहे, चलो 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 चलो। ये देखिए, लग रहा है ना मेरा मिट्ठू एकदम हैंडसम, हैंडसम बॉय लग रहा है ना। चलो चलो भैया, चलो चलो, मैं, बाबू, अंशु और उसके पापा, चलिए हम लोग चलते हैं, नहीं तो रात हो जाएगी, रात 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 शाम हो गई है। चलो, कुछ भी मत लो, छोड़ो आप। प्लीज नम्मा, काम करवा दे, इतनी भीड़ है ना ऑफर के नाम पे। छोटा बच्चा मेरा बहुत समझदार है, अरे ऐसे उलझा के रखेगा तो कितना आएगा उनसे, है इसी में रहने देना। इसको सही से बैठा बैठा, किसी से उठवा लेते। एक और छोटा में जाओ, हाँ बस बस इसलिए। अरे यार हो गया, बस अरे ये डिब्बे वाला आइटम एक में करते हैं ना, हटा अभी ये डिब्बे वाला आइटम, ये दिख रहा है, ये देखिए रिलायंस का, इस बार थोड़ा कम ऊंचा पानी के साथ, अंदर आ रहे हो गेट पे, बाहर गेट ना, सारी ट्रॉलियां खड़ी रहती है वहाँ। ठीक है। गाड़ी कैसे चलाएंगे बाप? ये हमने आज दो ट्रॉली एकदम पूरा दो कार्टन भर भर के सामान खरीद लिया है। अरे जल्दी चलो ना, मैं है ना पागल हूँ। लो ये लेके जाओ, मैं करता हूँ, लेके जाता हूँ। ये चावल के मैं लेके जाऊंगी, ये उठा पाएगा? हाँ उठा लूँगा। ये ट्रॉली वहाँ तक नहीं ले जा देगा? हल्की हो गया अपने तो, उससे ज़्यादा हल्का ही हो गया। और चावल रखा ये पीछे, और यहाँ पे मेरा मिट्ठू भी है। यस यस, हम दुखी करने वाले लोग हैं। मेरा बाबू यही बाहर ही था और मैं और अंशु थे अंदर, और चले हम घर। गुनगुन हमारे साथ नहीं आई है, अब हम चल रहे हैं घर। हाँ बेटू इधर, टाइम क्या हो गया? 8:09। चलो भैया सीधा चलते हैं घर। ये टर्न हुई का देखिए दोस्तों, मेट्रो भी जा रहा है, थोड़ा सा ले पाई मैं। अरे तो क्यों मुझे जा रहा है मेट्रो, लोगों पता नहीं है यहाँ पर। अंशु सीख रहा है ना, दिए मैं इसके पापा। ये देखिए मेरा बाबू मेरे पास आ गया है। बेटू इधर, इसको भी जाना भाई, इसको भी गाड़ी चलानी है। आ गए हम वेगस के पास।
वेगस ही है ना ये। अब चलते हैं घर। गए हम सोसाइटी के अंदर और ये रहा हमारा मंदिर, नया बन के तैयार हुआ सोसाइटी का मंदिर। डन 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 हो गए हम तो भाई, डन डन। ओ मेरा मिट्टू गाड़ी के अंदर है। चलो कहाँ चलेगा बाबू, कहाँ? रुक जा बाबू, कहाँ लगा रहे हैं गाड़ी, कहाँ है जगह? कहाँ लगाएंगे? लगा कहीं नहीं रहा, सामान उठा के ले जाने के लिए पास में लगा दे रहा हूँ, सामान उठाने में उसके लिए आसानी रहेगी। ये देखिए दोस्तों, रात के कितने बज रहे हैं टाइम देखिए, 11:15 हो गया ज़्यादा ही। और इस लड़के को दी भैया, अरे उतारो यार इसको, बेचारा बक्सा से दब के मर जाएगा। तूने अभी क्यों खोला भाई? चल सोते हैं, चल आ जाओ, बंद कर टीवी टाबा यार, सोते हैं, थक गई मैं। और दोस्तों ये लग चुका हमारा बिस्तर, ये रही हमारी माता रानी, हमारे सर पे रखेंगी हाथ और हम सो जाएंगे मस्त। अभी उधर से आने के बाद दूध जल रहा है, ये देखिए। दोस्तों अब हो चुकी है बहुत रात और हम लोग आए, फिर मैं खाना वाना बनाई, सबको खिलाई, अब बस एक ही काम रह गया है, सब कर लिया मैंने, बाबू को भी खिला लिया है, अब रह गया है सिर्फ बाबू की मालिश और फिर हम सब नीनू करेंगे। और आज फास्टिंग है मेरी, तो थोड़ा सा मेरे को भी लो फील हो रहा है, ज़्यादा रखती नहीं हूँ, लेकिन आज माता रानी के नाम पे थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। बाकी मैंने फ्रूट खाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा फास्ट रखा हुआ है, फ्रूट खाए हुए मैंने, लेकिन फिर भी काम पूरे दिन करने से ना थकावट हो जाती है, ऐसे खाने पीने काम करते रहो तो उतना पता नहीं चलता, लेकिन जब फास्टिंग में काम करना पड़े घर का तो यही हाल हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं रखती हूँ मैं, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर कमेंट करें, और फिर से हैप्पी नवरात्रि एंड शुभ रात्रि, ये रात पे है तो शुभ रात्रि। बाय दोस्तों, बाय।